हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल द इकोनॉमिक्स हब। माय नेम इज अनंत। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, क्या है ये सब। आज के टाइम में ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही होंगी। इनफैक्ट हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी भी इन टर्म्स को बहुत बार यूज़ करते हैं। तो क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या इसका यूज़ है, क्या इससे हमारी इकोनॉमी को कोई फ़ायदा हो रहा है, जी हाँ, इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में लेते हैं। इन शॉर्ट, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट को समझने से पहले हम इंपोर्ट को समझते हैं कि इंपोर्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, इंपोर्ट क्या होता है आप सबको हालांकि पता है, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। आपने यूएस से या चाइना से कोई प्रोडक्ट भारत में मंगवाया, तो यूएस ने आपको क्या किया, कोई गुड्स दिया और इंडिया ने उसके बदले में उसे क्या किया, पेमेंट किया, मतलब डॉलर में या फॉरेन एक्सचेंज के तौर पे। दिस इज़ कॉल्ड इंपोर्ट। और सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जैसे हम इकोनॉमिक की आम लैंग्वेज में बात करें, आप मेडिकल पे जाते हैं तो मेडिकल वाला कहता है ना कि सर इस मेडिसिन का मेरे पास सब्स्टिट्यूट है, इस जैसा है वो नहीं है। तो क्या होगा, हम सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि उन लोगों का प्रोडक्ट ना यूज़ करके भारत में ही चीज़ों को क्या करें, बनाएं, भारत में ही चीज़ों को क्या करें, सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। तो और डिटेल में इसको जानते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज़ अ स्ट्रैटेजी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। अभी हमने पढ़ा, जब इंडिया ने यूएस से कोई सामान लिया तो इंडिया ने उसके बदले में क्या दिया, उसे डॉलर दिया, मतलब फॉरेन एक्सचेंज दिया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को, फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने की, क्यों सेव कर रहे हैं, इस सवाल का भी जवाब हम आपको देते हैं। बाय इंकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स विच द कंट्री हैव बीन इंपोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जिन कंट्रीज से भारत बाहर के देशों से इंपोर्ट कर रही है कोई भी किसी भी तरह का गुड्स को खरीद रही है, तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप बाहर के देशों से गुड्स को ना खरीदो, उन गुड्स को इंडिया में ही क्या करो, बनाओ, अपने देश में ही उसको बनाओ। ठीक है, समझ में आई बात। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऑफर प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपनीज थ्रू इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन एंड इंपोर्ट ड्यूटीज़। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बहुत सारे टैरिफ लगा देती है, बहुत सारे कोटास लगा देती है, जिससे क्या हो, बाहर की कंट्रीज़ इंडिया में सामान भेजें लेकिन एक लिमिटेड गुड्स भेजें, ऐसा ना हो कि इंडिया में सारा का सारा गुड्स बाहर का बिक रहा है और जो इंडिया के मार्केट है, इंडिया के जो प्रोड्यूसर हैं, वो डाउनफॉल में चले गए। तो उसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज़ मैं आपको बताऊँ, यूएस ने इंडिया को कोई गुड्स भेजा तो इंडिया ने क्या किया, उसको डॉलर में पेमेंट किया। और हम सब जानते हैं, शायद आपने पढ़ा होगा, 200 करोड़ का सिस्टम, 200 करोड़ का रिजर्व भारत रखता है, जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड होता है और रिमेनिंग 85 क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है। तो गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना क्यों चाह रही है, गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज को सेव इसलिए करना चाह रही है कि अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा होगी तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी, आगे बढ़ेगी। और अगर हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंडिया में जो गुड्स हम बाहर से ले रहे हैं वो इंडिया में बनाएंगे, मतलब इंडिया में उस गुड्स का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। जब इंडिया में उस गुड्स का प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, जब लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो उन लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, जब डिमांड ज़्यादा करेंगे तो इकोनॉमी हमारी क्या होगी, GDP हमारी स्ट्रांग होगी, मतलब भारत का पैसा क्या होगा, भारत में ही रहेगा। इसीलिए बोला जाता है वोकल फॉर लोकल। जैसे टाटा, आपको कार लेनी है तो आप क्या करें, ऐसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करें, ऐसे प्रोडक्ट को परचेस करें जो भारत में बन रहा है और भारत में ही बिक रहा है। क्यों, क्योंकि भारत का पैसा क्या रहेगा, भारत में रहेगा। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंपोर्ट को बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट कर रही है, इंपोर्ट को बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज तो सेव हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज के साथ साथ इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लेबर बढ़ेगा, लेबर की डिमांड बढ़ेगी, लेबर की इनकम बढ़ेगी तो लेबर भी अपनी इनकम को खर्च करेगा, एक्सपेंडिचर्स बढ़ेगा, तो घर का पैसा घर में रहेगा। दिस इज कॉल्ड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखिए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इम्पोर्ट को खींच रही है वापस। आप इम्पोर्ट मत करो, इम्पोर्ट को वेयर हाउस में सपोर्ट सब्स्टिट्यूट करो, इम्पोर्ट को बनाओ और उस इम्पोर्ट को बना के आप जो पहले खरीद रहे थे ना उसे एक्सपोर्ट करो, उसे बेचो, तो कितना अच्छा रहेगा। ठीक है, इससे क्या होगा और आगे देखते हैं। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब क्या है, गवर्नमेंट कह रही है एक्सपोर्ट को बढ़ावा दो। एक्सपोर्ट क्या होता है आप सबको पता है, सपोज अभी हम इम्पोर्ट पढ़ा, जैसे इंडिया ने चाइना को कोई प्रोडक्ट्स बेचा, मतलब इंडिया ने चाइना को कोई गुड्स दिया तो चाइना उसके बदले में इंडिया को क्या देगी, डॉलर में पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट का फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो गवर्नमेंट कह रही है एक्सपोर्ट को बढ़ावा दो, इंपोर्ट करके इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करो, मतलब वो गुड्स जो हम बाहर से पहले ले रहे थे अब उसको इंडिया में बनाओ
और इंडिया में बनाने के साथ साथ अपनी इकोनॉमी में तो पूर्ति करो डिमांड की, मतलब डिमांड फुलफिल करो, लेकिन उसी प्रोडक्ट को इतना बनाओ कि आप बाहर के देशों में भी क्या कर सको, उसे प्रमोट कर सको, मतलब बाहर के देशों में भी उसे क्या कर सको, बेच सको। जिससे अब पहले डॉलर हमारा क्या हो रहा था, जा रहा था, अब डॉलर क्या होगा, अब डॉलर हमारे पास क्या होगा, अब डॉलर हमारे पास आएगा। ठीक है, पहले आउटफ्लो हो रहा था, अब क्या होगा, इनफ्लो होगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन इज अ स्ट्रैटेजी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, देखिए फॉरेन एक्सचेंज आया नहीं आया, बाय प्रमोटिंग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट एंड मेकिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटेटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। और हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो और देशों में जाएगी, जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड और देशों में जाएगी तो क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड और देशों में गई, लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को पहचाना, लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को पहचाना, उनको कंज्यूम किया, उनको अच्छा लगा, तो और उन्होंने डिमांड हमारी इकोनॉमी में क्या करी, बढ़ाई, कि कहा कि भाई हमें और गुड्स भी आप दीजिए। तो इससे क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज जो पहले जा रहा था अब हमारी इकोनॉमी क्या में क्या होने लगा, आने लगा, जिससे इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग हुई। ठीक है, जिसको हम जानते हैं एक वर्ड, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत बेसिकली क्या है, आत्मनिर्भर भारत का मतलब गवर्नमेंट का मोटिव यह है कि आप एक्सपोर्ट को क्या करो, इंक्रीज करो, और इम्पोर्ट को क्या करो, कम से कम लेने की कोशिश करो, मतलब एक्सपोर्ट को क्या करो, प्रमोट करो, और इम्पोर्ट जो आप कर रहे हैं उस गुड्स को सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, उस गुड्स को भारत में बनाओ और भारत में बना के उस गुड्स को एक्सपोर्ट करो। ठीक है, आजकल आपने ऐसा देखा भी होगा, ऐसा क्यों होता है मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। अगर हम भारत से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर जो है हमारा इनफ्लो होगा, मतलब इंडिया में डॉलर आएगा। ठीक है, पहले इम्पोर्ट कर रहे थे तो इंडिया से डॉलर जा रहा था। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जब भारत में किसी कंपनी को आप लगाएंगे, मतलब कोई फैक्ट्री आपने डेवलप करी, फैक्ट्री डेवलप होने से क्या हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ी, मतलब आपने एम्प्लॉयमेंट को क्या किया, बढ़ावा दिया। जब लोग काम कर रहे हैं तो लोगों की इनकम्स बढ़ी, जब लोगों की इनकम बढ़ी तो लोग एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो लोग डिमांड बढ़ाएंगे, जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। समझ में आई बात, तो दिस इज ऑल अबाउट आत्मनिर्भर भारत, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट और एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है, तो आजकल पहले क्या होता था, पहले हम जो भी प्रोडक्ट खरीदते थे उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। आज के टाइम में क्या लिखा होता है, आज के टाइम में अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, मेड इन इंडिया या मेड इन भारत। तो गवर्नमेंट इसीलिए एक्सपोर्ट प्रमोट, एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही है और इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर रही है। सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंट, अपने आप हम क्या हों, मजबूत हों, हमें किसी गुड्स को लेना ना पड़े और उसको एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन अभी भी हम बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, एकदम से किसी भी इकोनॉमी में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। कितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं से क्या करती हैं, प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करती ही करती है, क्योंकि सारी कंट्री, एक कंट्री सारे तरह के गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ये नहीं कह रही है कि आप बिल्कुल इंपोर्ट मत करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, किसी भी कंट्री में नहीं हो सकता, लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश तो करो, भारत में बनाने की कोशिश तो करो, नहीं बनेगा वो बात अलग है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट आत्मनिर्भर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको उसको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ भी मुझसे ले सकते हैं। और क्लास 11th एंड क्लास 12th में आपके कोई भी डाउट है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, तो आप मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। प्लीज़ आपको वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।